वेलकम टू द इंग्लिश कॉर्नर। मैंने पहले इंडेफिनिट के बाद आपसे छोटा सा एक रिवीजन लेक्चर शेयर किया था। सो सेम लाइक दिस, कल हमारे कंटिन्यूस के सारे लेक्चर ख़त्म हो गए हैं, तो आज मैंने कंटिन्यूस का सोचा आपको स्ट्रक्चर रिवाइज करवा दूं पहले की तरह। तो मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया था, जिसका मतलब था कि ऐसा काम जो कि हो हाल में रहा हो, यानी कि आज में लेकिन काम जारी हो। फिर आपको मैंने पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाया था, जिसका मतलब था काम माजी का है लेकिन जारी हो। फ्यूचर कंटिन्यूस जो कि काम मुस्तकिल के बारे में बात की जाए लेकिन काम जारी हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में मैंने बताया था कि इसमें के आखिर में जब जुमला उर्दू का जुमला हो तो उसके आखिर में आता है रही है, पास्ट कंटिन्यूस में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, और फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये इनके स्ट्रक्चर हैं जो कि मैंने आपको वन बाय वन स्टडी करवाए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर है, फ्यूचर में विल बी और शेल बी का यूज़ है। प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद इनके बाद वर्ब के साथ आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में पास्ट कंटिन्यूस के वॉज वर, वॉज या वर, फिर वर्ब के साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट, यानी कि बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तीनों में हेल्पिंग वर्ब का चेंज आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर है, पास्ट में वॉज वर है, और फ्यूचर में विल बी और शेल बी है। अगर आपको नहीं पता कि इज एम आर किसके साथ यूज़ होंगे, वॉज वर और विल बी शेल बी, तो काइंडली मेरी इन तीनों की जो वीडियो बनी हुई है तकरीबन 4 to 5 मिनट्स की है, इतना आपका टाइम मैंने नहीं लिया, बहुत जल्दी से आपको समझाने की कोशिश की है, प्लीज़ उसको जाकर देखें। अच्छा, इन तीनों में ना फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ होता है। इसकी मैंने नीचे एक एग्जांपल भी दी है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, शी वाज गोइंग टू स्कूल, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। और जिन्होंने मेरी वीडियोस को बिल्कुल ही नहीं देखा वो जाके वीडियो को देखें। सब्सक्राइब द चैनल फॉर डिटेल वीडियो। थैंक यू।